नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फरहान अख्तर की फिल्म तूफान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आप लोगों को बताएंगे कि फरहान अख्तर की फिल्म जो कि अभी तक ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि फरहान अख्तर की फिल्म तूफान जिस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया है, आज इस फिल्म को तीसरा दिन है। दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि क्रिटिक्स और पब्लिक का मिक्स रिव्यू मिलने के कारण इस फिल्म को थोड़ा सा कम कमाई देखने को मिली इस फिल्म में। दोस्तों यह फिल्म को बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रिव्यू भी मिला नहीं है, और ज़्यादा अच्छा खासा इस फिल्म को जो कि ऑडियंस पसंद भी नहीं कर रही। दोस्तों आप लोगों को पता चले कि फरहान अख्तर जो कि बहुत ही ज़ोरदार एक्टर है, लेकिन तूफान फिल्म यहाँ पर थोड़ा सा कम कमाई कर रही है अपने ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों आप लोगों को पता चले कि तूफान मूवी ने अपने पहले दिन 4 करोड़ रुपया कारोबार किया था ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर, वहीं दूसरे दिन आप लोगों को बता दी कि 5 करोड़ रुपया कारोबार किया तूफान मूवी ने। दोस्तों आप लोगों को पता चले कि तूफान मूवी को आज तीसरा दिन है, अपने तीसरे दिन में अच्छी खासी ओकुपेंसी दिखा रही है, और दोस्तों आप लोग बता दें आज अपने तीसरे दिन में जो कि 6 करोड़ रुपया का कारोबार कर रही है अपने ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि तूफान मूवी आज के दिन यानी कि अपने ओटीटी बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपया का कारोबार कर पाएगी नहीं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ हमें यह भी बताया कि तूफान मूवी अगर आप लोगों ने देखी तो तूफान मूवी आप लोगों को कैसी लगी, और इस फिल्म में आप लोगों की जो कि फरहान अख्तर की जो कि एक्टिंग आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पर अगर आप लोग नए हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और ओटीटी प्लेटफॉर्म की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।